सो 23 सितंबर 2013 को सिंचन की मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम विलन और दुल्हन था। सो इस वीडियो में हम ये जानेंगे क्या सिंचन की वाइफ तमिको कनेरी क्या शिंको है या तमिको आईचेन है और क्या तमिको लेमन है। सो अगर आपको इसका आंसर जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना और ये सभी फैन थ्योरीज है सो इसे पर्सनल मत लेना। वेल, क्या तमिको शिंको है? मेरे ओपिनियन से शिंको हिमावारी है। अब ऐसा क्यों? तो देखो, शिंको फ्यूचर से आई थी तो उसने अपना नाम चेंज कर लिया ताकि किसी को भी उसकी आइडेंटिटी पता ना चले कि वो ही हिमावारी है। शिंको के पास दो पपीज होते हैं जो बिल्कुल शीरो की तरह लगते हैं और ये शीरो की तरह रोल वाले ट्रिक्स भी कर लेते हैं। एक एपिसोड में शिंको मित्सी से कंपटीशन करते कि हिमावारी को कौन सबसे ज़्यादा जानती है, जिसमें मित्सी हार जाती है क्योंकि हिमावारी को अपने आप से ज़्यादा खुद कौन जान सकता है। शिंको बिल्कुल हिमावारी की तरह बिहेव करती है और दोनों को ज्वेलरी पसंद है। तब शिंको सिंचन से एक गेम खेलने को कहती है। जब मित्सी वापस आती है तो देखती है कि कपड़े के नीचे कुछ पड़ा है, तो मित्सी सुनकर कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया हिमावारी। फिर हिमावारी की फर्स्ट फ्लोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, तब मित्सी ये सुनकर बहुत टेंशन में आ जाती है और गिर जाती है जिससे उसे चोट लग जाती है। फिर जब मित्सी फर्स्ट फ्लोर पर जाती है तब देखते हैं कि सिंचन और हिमावारी खेल रहे हैं। ये सब शिंको देखती है और हिमावारी से कुछ ऐसा बोलती है। तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्हें तुम्हारी फिक्र है और ये जानकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। विलन और दुल्हन वाली मूवी में सिंचन जब घर वापस आता है तो हिमावारी उसे टाइम मशीन छीन लेती है, तो शायद हिमावारी शिंको बनकर पास्ट में जाकर ये और एक्सप्लोर करती। क्या तमिको आईचेन है? तो देखो, आईचेन किंडरगार्टन स्कूल में सिंचन को बहुत पसंद करती थी लेकिन बाद में वो होकाइडो चली जाती है और आईचेन की आईज और हेयर बिल्कुल तमिको की तरह सेम मिलते हैं और तमिको रिच है और आईचेन भी रिच। आईचेन के फादर और मदर को एनिमे में कभी शो नहीं किया गया लेकिन विलन और दुल्हन में तमिको के फादर को शो किया गया है। अच्छा तो टॉक विथ मी आईचेन ही तमिको है। बट रुको, आईचेन सीधा ही तो कह सकती थी कि मैं ही आईचेन हूँ, उसने अपना नाम तमिको क्यों रखा? और विलन और दुल्हन में जब सिंचन तमिको से छोटे सिंचन को लाने के लिए कहता है तब तमिको गलती से कजामा को सिंचन समझ लेती है, बट आईचेन तो सबको जानती थी क्योंकि आईचेन तो पढ़ी थी उनके साथ। सो आईचेन तमिको नहीं है। क्या तमिको लेमन है? सो सिंचन की स्पाई मूवी 16 अप्रैल 2011 को आई थी और विलन और दुल्हन 2013 में आई थी। लेमन का रेफरेंस एक ही बार हुआ था, वो भी स्पाई मूवी में। सो तो क्वेश्चन ये है कि लेमन ने अपना नाम चेंज क्यों कर रखा था? तो देखो, लेमन एक स्पाई है और उसके मदर और फादर भी स्पाई थे इसलिए उन्होंने अपना नाम चेंज कर रखा था। और इसका प्रूफ हमें मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि लेमन सिंचन को अपना रियल नेम बताती है, तब सिंचन शर्मा जाता है। और लेमन के फादर और तमिको के फादर सेम सेम लगते हैं, तमिको और लेमन भी सेम सेम लगते हैं, तो अच्छे टॉक विथ मी लेमन ही तमिको है। बट वेट, फिर लेमन और स्पाई मूवी में 7 साल की थी और सिंचन 5 साल का था और लेमन ज़्यादा स्मार्ट थी क्योंकि वो एक स्पाई थी, बट तमिको ना तो एक कोई स्मार्ट गर्ल है और ना ही कोई स्पाई है। और लेमन को सिंचन अच्छी तरह से जानती थी, फिर उसने कजामा को सिंचन समझ कर क्यों उठाया? सो एंड में बस मैं यही कहूँगा कि तमिको एक अलग करेक्टर जो सिर्फ विलन और दुल्हन मूवी में अपेयर हुआ था। सो अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, टॉक विथ्स में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।